मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग आए हैं बॉम्बे में वीटी में टाउन में शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं इस वीडियो में पूरा आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। चलो चलते हैं, आपको सेट पे दिखाता हूँ मैं क्या क्या हो रहा है। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 6:15 बज रहे हैं और सब डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। सर अपना अपना काम कर रहे हैं, कैमरा वाला कैमरा सेट कर रहे हैं, जिमी जीप सेट कर रहे हैं, लाइटिंग वाले लाइट कर रहे हैं, सेटिंग वाले आर्ट डिपार्टमेंट का आर्ट काम कर रहे हैं। जिमी जीप के लिए ये स्टेज बनाया गया है, ग्रिप वाले अपना सेटअप रेडी कर रहे हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह सब लोग अपना अपना काम रेडी कर देते हैं ताकि डायरेक्टर डीओपी आने के बाद में फिर डायरेक्ट काम स्टार्ट हो सके। तो देख लीजिए, ये है ना बॉम्बे का टाउन में ये लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। यहाँ पे जितने भी आपने टीवी में बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, ये कोर्ट है, कोर्ट का सीन दिखाया जाता है इसमें। ये पूरा बहुत अलग एकदम फील आता है यहाँ पे। आप कभी आओगे घूमने तो आप देखिएगा, टाउन के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी के जस्ट बाजू में है, सेंट्रल लाइब्रेरी बोलते हैं इसको ये लोकेशन का नाम। अगर आपको भी अगर कभी घूमना हो, कभी शूटिंग देखनी हो मूवी की शूटिंग, तो आप स्पेशली संडे के दिन आप टाउन में आ सकते हैं। संडे के दिन टाउन में आएंगे तो आपको 3-4 शूटिंग तो एनी टाइम आपको हर संडे को आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए, ये कैमरा वाले हैं, कैमरा रेडी कर रहे हैं, कैमरा डिपार्टमेंट है। मॉर्निंग में आते ही पहले अपना कैमरा रेडी कर देते हैं, सेट कर देते हैं, उसके बाद फिर डीओपी आने के बाद उनको पोजीशन बताया जाता है कि कैमरा कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये, देख लीजिए आप, टाउन में है। सामने आपको इसका बीएससी का टावर भी दिख रहा है, जो कि शेयर बाज़ार बोलते, शेयर मार्केट भी बोलते हैं, तो वही है ये सामने जो बड़ा टावर जो दिख रहा है, शेयर मार्केट का टावर है। देखिए अपना जिमी जीप ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अभी इस पर कैमरा लगेगा। इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग अच्छा खासा पेमेंट कमाते हैं हर डिपार्टमेंट। ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर फर्स्ट एसी इस मूवी के, इस शूट के, मैं खुद यहाँ पे ना कम से कम 15-20 बार यहाँ पे शूट कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे जब भी शूट होता है तो यहाँ पे कोर्ट का ही सीन दिखाया जाता है, क्योंकि ये लाइब्रेरी एक ऐसा ऐसा लोकेशन है जिसको कोर्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। आपने कितनी सारी मूवीज़ में देखा होगा, कोर्ट के बाहर जितने भी एक्टिविटीज़ होती है वो पूरा यहीं पे शूट किया जाता है। लो भाई ले लो। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको स्पेशली संडे के दिन आएंगे ना तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि संडे के दिन ही यहाँ पे टाउन में शूटिंग होती है। और पूरा लोकेशन जितने भी मतलब एरिया है पूरा एकदम आपको शांत मिलेगा, एकदम खाली खाली मिलेगा। बाकी दिन आएंगे ना तो आपको बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी, और इसलिए बाकी दिन शूटिंग के लिए परमिशन भी नहीं दी जाती यहाँ पे। यहाँ पे शूटिंग के लिए खाली सैटरडे संडे, संडे तो रहता ही है परमिशन, सैटरडे को भी कभी कभी मिल जाता परमिशन तो शूट कर लेते हैं। सुबह सुबह के टाइम पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है यहाँ पर। यहीं पे पास ही में गेट ऑफ इंडिया है, ताजमहल होटल है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, शेयर मार्केट है, काला घोड़ा है, काला घोड़ा लोकेशन का नाम है।
यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन है। आप अपना टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो सैटरडे संडे के दिन ही ज़्यादातर पब्लिक यहाँ पे टिकटॉक वीडियोज़ के लिए और बाकी सबके लिए आती है। बाकी दिन उनको खाली लोकेशन नहीं मिलता है, भीड़ भाड़ रहती है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। तो अभी हम बात करेंगे आगे सबकी पेमेंट के बारे में, कौन कितना क्या कमाता है ये लाइन में। तो अभी आप सामने खड़ा जो सिक्योरिटी वाला देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी वाले सबसे मिनिमम पेमेंट जो रहती है सिक्योरिटी वाले का रहता है। और ये काम आसानी से मिल जाता है किसको भी। अगर कुछ भी काम आपको नहीं आता है तो आप बिंदास आप सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी में मिनिमम स्टार्टिंग 500 रुपये मिलता है। अगर आप धीरे धीरे काम मतलब सीख गए, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो गया तो 700-800 रुपये तक सिक्योरिटी वाले का इतना मिल जाता है। इसके बाद आता है अपना कैमरा डिपार्टमेंट। कैमरा डिपार्टमेंट में एक पर्सन को 3000 रुपये पर डे मिलता है। और उनका जो हेड रहता है, जो उनका इंचार्ज जो बोलते हैं इंचार्ज रहता है, उसका 4 से 4500 रुपये उसका पेमेंट रहता है। एक कैमरे के पीछे 4 बंदे आते हैं, एक इंचार्ज रहता है, बाकी 3 अटेंडेंट रहते हैं। और सेम वैसे ही जिमी जीप में भी है। जिमी जीप में एक ऑपरेटर बूम ऑपरेटर आता है और एक अपना ट्रैक वाला आता है, बाकी 2 असिस्टेंट आते हैं, उसमें भी 4 बंदे आते हैं। उनका भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है, उनका भी 2500 से 3000 रुपये पेमेंट रहता है पर डे का। ये देखिए सब कैरेक्टर्स है, जूनियर आर्टिस्ट है, जूनियर एक्टर्स जो कि बैकग्राउंड आर्टिस्ट बोलते हैं इनको। इन लोग का भी पेमेंट अच्छा खासा रहता है। इन लोग का पर शिफ्ट रहता है 1500 से 2000 रुपये पर शिफ्ट, 8 घंटे का रहता है। 8 घंटे के अलावा अगर एक्स्ट्रा हुआ, आधा घंटा 1 घंटा भी एक्स्ट्रा हुआ तो सीधा हाफ पेमेंट लेते हैं लोग। ये लोग यहाँ तक इन कॉस्ट्यूम चेंज करने का भी अलग चार्जेस लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इंडस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हैं और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। लाइक करने के बाद में आप बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको कौन सा काम पसंद है, किस में आप इंटरेस्टेड है। यहाँ तक साउंड डिपार्टमेंट भी है, साउंड डिपार्टमेंट का तो और अच्छा खासा पेमेंट रहता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में आपको अच्छी और दूसरी अच्छे से अच्छी वीडियो आपको लेके